Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. In this video, I wanted to discuss ki what was the steady schedule that I followed in 12th standard in order to make sure that in one year itself, my 11th was kuch kuch aata tha, kuch kuch nahi aata tha, but it was not up to the mark, let's just say. Let's say it was just 50% of what I had ideally I should have done. Not even 50, let's say 40 to 50% of what I ideally should have done.

Okay, so first thing first, I would advise you to join a coaching in this year at least if you are not joining 11th standard. Coaching does help. Uh, even if you want to join Alan Akash in an offline coaching, that's perfectly fine and if you're someone who does not have the money then obviously i advise you then you can join physics wala there's absolutely no problem with physics wala physics wala is an excellent like you know really really good uh, online coaching that can help you you just need the zeal you just need the discipline in order to get through with uh, an online coaching the problem is that people keep on spamming uh, i'm pretty sure not just spamming physics wala, uh, we keep on spamming youtube and stuff like that so what i did basically was that i was like okay first what do i have in my hand what do मेरे पास अपना प्रेजेंट है जो अभी है वो है मेरे पास सो आई वाज लाइक आई वोट वेस्ट माय ट्वेल्थ थिंकिंग अबाउट इलेवंथ ऑल आई डू फर्स्ट मेक श्योर इज मनी ट्वेल्थ को अच्छे से कर लूँ फिफ्टी परसेंट सिलेबस ट्वेल्थ है सो रिस्पेक्टिव विच एवर कोचिंग दैट यू आर ज्वाइनिंग दे विल ट्राई टू फिनिश द सिलेबस एटलीस्ट बाई नवंबर एंड और नवंबर मिड ओके सो यू जस्ट कीप ऑन डूइंग वॉट द कोचिंग इज डूइंग एंड ट्राई टू फिनिश द सिलेबस बाय नवंबर एंड और नवंबर मिड ओके ये तुम्हारा सिंपल सिंपल फंडा है कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है आई विल कीप ऑन डूइंग दैट मच एटलीस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज रीडिंग एनसीईआरटी प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी एंड प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स टिल द टाइम नवंबर मिड एंड नवंबर एंड इज डन एक ब्रॉड गाइडलाइन दे रहा हूँ तुम्हें फेयर नफ अब आते हैं बैकलॉग्स की ओर द फैक्ट दैट यू हैव नॉट स्टार्टेड इन इलेवन स्टैंडर्ड एंड विल डिवाइड द बैकलॉग्स इनटू थ्री डिफरेंट मतलब थ्री डिफरेंट सब्जेक्ट्स बेसिकली बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वॉट इज द इजिएस्ट वन बायलॉजी क्यों क्योंकि हमें पता है सिर्फ एन सीआर टी पढ़नी है राइट सो वट आई यूज टू डू वट आई एस एस सी यूज टू डू वॉज दट एवरी वीक आई स्ट बी लाइक एक चैप्टर में बायलॉजी का एन सी आर टी में ढंग से एक बार पढ़ लूंगा ऑफ इलेवन स्टैंडर्ड वन चाप्टर नॉट मच वन चैप्टर वन वीक एवरी वीक if you would have watched my previous video, you would realize that since I was studying NCRT when I was going to school, when I was coming back to school, and you know, even during my breaks and stuff like that, uh, this was the time I actually, you know, initially since the 12th standard was going smoothly because I had started to put in that much of amount of efforts. जब मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था बिकॉज ऑफ पुटिंग दट मच अमाउंट ऑफ एफर्ट्स आई यू सू डेडिकेट कि मैं अब इलेवंथ की एनसीआर अच्छे से पढ़ लेता हूँ सो पिकअप योर इलेवंथ स्टैंड एनसीआर रीडिंग वन चैप्टर टेन फिफ्टीन ट्वेंटी पेजेस इन वन वीक दट्स ऑल आई एम आस्किंग यू स्टार्ट बाई डूइंग दट एक चैप्टर का इलेवन स्टांड्रेड का स्टार्ट टूर्स डूइंग इट एंड साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते रहो एटलीस्ट फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एम पर चैप्टर यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू की रिपीटली रिसोर्स सेट दट मेमोरीट इज अ रेली गुड आप दिस इज नॉट अ प्रमोशन फॉर इट जनरली बी मेमोनीट इज रेली गुड आप इफ यू आर समू वॉन्स टू लाइक प्रैक्टिस एमसी लाइक बुक चाहिए डॉक्टर अली इज अरे रेली गुड बुक या नीट के प्रिवियस ईयर थर्टी फाइव क्वेश्चन इट सेल्फ वो तो करने ही हैं तुम्हें ओके okay. नॉट थर्टी फाइव फिफ्टीन ईयर्स क्योंकि टू थाउजेंड एट के बाद ट्रेंड चेंज हुआ है तो उसके बाद फिफ्टीन तो डेफिनेटली करने हैं और जाना चाहते हो तो फिफ्टीन ईयर में जा सकते हो सो मोटा मोटा बाय नवंबर एंड रिमेंबर बाय नवंबर एंड यू शुड कीप ऑन डूइंग योर इलेवंथ स्टैंडर्ड आज इट्स बीन डन इन कोचिंग एंड दे विल ट्राई टू फिन नवंबर एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुम अपनी इलेवंथ की बायो साथ में कर लो एक चैप्टर वन चैप्टर पर वीक पढ़नी है नथिंग नथिंग एल्स एल्स एब्सोल्युटली यू विल बी कमिटिंग द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट एनसीआर इसको गांड बांध लो मुझसे बिल्कुल मत पूछो इस वीडियो के बाद एनसीआर के अलावा क्या करना है कुछ नहीं पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एनसीआर पढ़नी है द ओनली रीजन आई वॉज एबल टू क्रैक द एग्जाम वॉज बिकॉज आई फाउंड सिर्फ एन ही पढ़नी है एंड आई डि नॉट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स तो सिर्फ एनसीआर पढ़नी है सॉरी ठीक है तो नवंबर एंड तक तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो इलेवंथ की साथ में एक एक, एक हफ्ता करके करते रहो एमसीक्यू सॉल्व करते रहो और प्रीवियस ईयर इश्चन सॉल्व करते रहो एमसीक्यू के लिए अली मेमोनी या कोई तुम्हें और अच्छा रिसोर्स सकता है उसको करते रहो अब आते हैं नवंबर मिड नवंबर एंड दिसंबर एंड जनवरी मिड जनवरी एंड दिस इज द टाइम वेन यू विल स्टार्ट डूइंग योर इलेवेंथ की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ठीक है इसको साथ में और कैसे कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी भी जब पढ़ रहे हो केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे तुम्हें कोचिंग वाले तो साथ में इलेवंथ की ऑर्गेनिक को देख लो साथ में फिजिक्स में वन देर टीचिंग यू मॉडर्न फिजिक्स तो स्ट्रक्चर ऑफ आटम केमिस्ट्री का कवर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिजिजिजिजम पढ़ रहे हो सेम इनवर्स इन्वर्सक्वेयर लॉ है ग्रेविटेशन को थोड़ा सा देख लो तो थोड़ा थोड़ा इलेवनथ का पोर्शन तुम्हारा ऐसे ऐसे कवर होता रहेगा इवन इन दिस नेक्स्ट फोर मंथ्स अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड नवंबर फे पॉइंट

भर भर के एम क्यू प्रैक्टिस करो यू यू प्रैक्टिस ट्रमेंडस अमाउंट्स ऑफ एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस स्पेशली इन इवन इन केस ऑफ बायोलॉजी अगर एक सेट ऑफ एम तुमने को सोने कर लिया तो रहा है और कहीं नहीं मिल रहा तो उन्हीं को फिर से रिपीट कर लो टिल द टाइम जस्ट टक इन साइड योर हेड गॉट इट नाउ कम्स फेबररी फेबररी में यू हैव टू प्रोकस ऑन योर बोर्ड्स नो डाउट प्रॉब्लम आराम से बैठ के थ्योरी पढ़ो रीड थ्योरी लाइक यू नो द काइंड ऑफ आंसर्स दैट यू हैव टू राइट इन बोर्ड एग्जाम थ्री वीक्स द मोर देन ना वन वीक फॉर ई सब्जेक्ट एंड फाइव डेज फॉर इंग्लिश नॉट मोर देन दैट थ्री वीक्स थ्री वीक्स टू यू नो मोर देनाफ और बोर्ड एग्जाम इफ यू हैड डन योर ट्वेल्थिंग वॉज डूंग इट यू अर बोर्ड विल से थ्रू इजी आई कैन गारंटी यू डैट वैन यू आर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम दैट वन मंथ विग टाइम थिंक ऑफ इट नॉट जस्ट एज की मेरा सिर्फ फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है या केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है तुमने थ्योरी पढ़ी है तुम दिन के चार पांच घंटे बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हो तो पांच छे घंटे बैठ के इसके एमसी क्यू भी साथ में सॉल्व करते रहो सो यू ट्वेल्थ विच यू है कीप ऑन सोलविंग द एम स्यूस कीप ऑन कीप कीप ऑन ऑन कीप ऑन साथ में बायो केन सी आर टी एवं रिवाइज करते जस्ट इलेवेंथ आई नॉट इन आस्किंग यू टू डू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग बायोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड एलेवन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वन यूर गिविंग ए बायो एग्जाम ठीक है नाउ कम्स अप्रैल एंड मे अब तक यू हैव डन योर ट्वेल्थ अच्छे से टिल नवंबर एंड वंस यू हैव डन योर बायो की इलेवंथ की एनसीआरटी अच्छे से इन द नवंबर एंड वंस तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री जनवरी एंड तक अच्छे से एक बार पूरी करके खत्म कर दी जो बची हुई थी थोड़ा बहुत तुमने साथ में करने की कोशिश की थी देन यू अगेन योर ट्वेल्थ अच्छे से

आई वॉज लाखी आई विल सी आई वॉज लाखी आई डि नॉट फोक ऑन दिलेरे में बहुत ज्यादा बैकलॉग्स हैं मैंने नहीं फोस किया था ऑब्वियसली मेरे दिमाग में रहता था यार काफ़ी इलेवन थोड़ी छूट हुई है अच्छे से नहीं की एन एवरीथिंग सो सिपल मेरे दिमाग में था कि अभी पहले मैं ट्वेल्थ करूँगा यार बोर्ड एग्जाम तो मैं निकालूंगा ना तो इलेवन ट्वेल्थ उन लोगों ने नवंबर नवंबर एंटर कर दी थी साथ में अपनी बायो एनसीआर पढ़ता था मैंने जो इसमें तुम्हें बताए सारा का सारा मैंने खुद किया है